एंड वेलकम टू चीवर हाइड डी आर लर्नस टू डे वी आर टेकिंग चैप्टर नंबर थ्री ऑफ क्लास ट्वेल्थ इन विच वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सम एम सी क्यूज दे आर बेसिकली फॉर द वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में वन मार्कर क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपको एन सी आर टी की थॉरू रीडिंग करनी है अच्छे से उसको रीड करना है क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनते हैं स्पेशली वन लाइनर क्वेश्चन वहीं से आपको देखने को मिलेंगे तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं आज के सेट की एंड चैप्टर थ्री वी आर टेकिंग टूडे क्वेश्चन नंबर वन इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टेन कोर स्किल्स आइडेंटिफाइड बाई डब्ल्यू एच ओ सिंपथी इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएटिव थिंकिंग एंड सेल्फ अवेयरनेस इन चारों में से वो कौन सा कॉम्पोनेट है कौन सा स्किल है जो डब्ल्यू एच ओ ने टेन कोर स्किल्स में आइडेंटिफाई नहीं किया है तो एक तरीके से आपको ये भी पता चल रहा है कि डब्ल्यू एच ओ ने कौन से टेन कोर स्किल्स आइडेंटिफाई किए हैं जब आप ये फिगर आउट कर पाते हैं कि कौन सा कोर स्किल नहीं लिया गया है सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए सिंपथी दिस इज़ द करेक्ट आंसर विच यू हैव टू कंसिडर कि ये जो सिंपथी है वो टेन कोर स्किल्स में नहीं आता है ऑल राइट right, वैसे भी ये इमोशनल कॉम्पोनेंट में आता है तो ये टेन कोर स्किल्स में नहीं आता है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन निशा इज ऑलवेज शोइंग फिजिकल इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉशन इन हर डेली रूटीन शी इज़ इन द स्टेट ऑफ विच वन निशा फिजिकल इमोशनल और साइकोलॉजिकल एग्जॉशन को शो कर रही है ये तीनों चीज़ें जब एक साथ आती हैं तब हम इसको बर्नआउट की डेफिनेशन देते हैं कि बर्नआउट की डेफिनेशन होती है कि पर्सन जब इस तरीके का कुछ भी फील करता है जिसमें वो फिजिकल इमोशनल और साइकोलॉजिकल एग्जॉशन फील कर रहा है सो बेसिकली निशा इज इन द स्टेट ऑफ़ बर्नआउट डेफिनेटली शी इज़ अंडर स्ट्रेस लेकिन जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो उसको हम स्ट्रेस से ज़्यादा बर्नआउट की कंडीशन देंगे क्योंकि बर्नआउट स्ट्रेस की एक लिमिट वाली सिचुएशन होती है इसीलिए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं रिकग्निशन ऑफ सेल्फ कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस डिज़ायर एंड डिसलाइक्स इन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं जब पर्सन अपने सेल्फ कैरेक्टर स्ट्रेंथ और वीकनेस डिज़ायर डिसलाइक्स इन सबको आइडेंटिफाई कर पाता है रिकोगनाइज कर पाता है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो नहीं होता क्रिएटिव थिंकिंग भी ये नहीं कहलाती है डेफ़िनेटली ये सेल्फ अवेयरनेस कहलाता है सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस की रिकोग्नीशन ऑफ सेल्फ कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑल दिस थिंग इज अंडर सेल्फ अवेयरनेस ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वट आर द पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ हार्डिनेस कंट्रोल चैलेंज कमिटमेंट और ऑल ऑफ द अबव आपने ये पढ़ा ही है कि जो तीनों सीज हैं वही पर्सनैलिटी के हार्डिनेस होते हैं और लेकिन ये तीन सी कंट्रोल चैलेंज और कमिटमेंट ही होने चाहिए ऑल राइट right? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप ये तीनों सीज आपको याद होने चाहिए सो बेसिकली ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन भावना इज़ कंटिन्यूसली क्राइंग एंड इज़ अ बिट फ्रस्ट्रेटेड एंड अग्रेसिव एज शी हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड वेल फॉर हर एग्जामिनेशन आइडेंटिफाई द कोपिंग स्ट्रेटजी शी इज़ फॉलोइंगयर यहाँ पर भावना जो है शी इज़ कंटिन्यूसली क्राइंग एंड क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है अग्रेसिव है तो इस केस में भावना इमोशन्स को एक्सप्रेस कर रही है सो दैट इज़ वाई इमोशन ओरेंटेड स्ट्रैटी यहाँ पर बन जाती है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सो so, इमोशन ओरिएटेड इज द करेक्ट आंसर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च के फादर कौन है ये तो आपको पता ही है आपने याद किया हुआ है इसको कि हंस सेले का नाम जो है इससे जुड़ा हुआ है ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द स्टेज ऑफ द गैस मॉडल एग्जॉशन आपने सुना है क्या आपने सेंसेशन एग्रेशन सुना है डेफिनेटली नॉट आपने नहीं सुना होगा क्योंकि ये दोनों तो इसके ऑप्शन ही नहीं है सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट गैस मॉडल में सेंसेशन uh, और एग्रेशन नाम के कोई भी स्टेजेस नहीं होती हैं तीन स्टेजेस होती हैं बट ये सेंसेशन और एग्रेशन उसका पार्ट नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ लाइफ स्किल लाइफ स्किल का एम क्या नहीं है इनमें से यू आर गिविन फोर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन टू डील विद द डिमांड्स ऑफ एवरीडे लाइफ टू एड्रेस अ बैलेंस ऑफ नॉलेज एटीट्यूड एंड स्किल टू प्रमोट गुड हेल्थ ओनली टू प्रमोट मेंटल वेलबींग एंड कॉम्पिटेंस देखिए मेंटल वेलबींग और कॉम्पिटेंस को प्रमोट करना तो डेफिनेटली लाइफ स्किल्स का एम है लाइफ स्किल्स हमारी गुड हेल्थ को भी प्रमोट करती हैं हमारी डेली डिमांड्स को भी फुलफिल करती हैं तो नॉलेज एटीट्यूड और स्किल को बैलेंस करने में लाइफ स्किल का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता क्योंकि नॉलेज से तो उसका कुछ भी कनेक्शन नहीं है इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि नॉट एन एम विच इज़ नॉट एन एम दिस बी टू एड्रेस अ बैलेंस ऑफ नॉलेज एटीट्यूड एंड स्किल्स दिस इज नॉट एन एम ऑफ द लाइफ स्किल्स राइट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच काइंड ऑफ स्ट्रेस पीपल फील एंगजाइटी वरी अबाउट प्रॉब्लम्स और बिकम डिप्रेस यू आर गिवन फोर ऑप्शन हेयर सोशल स्ट्रेस फिजिकल स्ट्रेस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और नन ऑफ दिस तो वो कौन सा स्ट्रेस है जिसमें एंग्जाइटी वरी फील होती है आपको पता ही है सोशल में फिजिकल में बाद में वो चीज़ आती है पहला कॉम्पोनेंट साइकोलॉजिकल नहीं होता बट साइकोलॉजिकल में ये चीज़ सामने से ही होती है तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है जिसमें लोग एंगजाइटी वरी किसी भी प्रॉब्लम के बारे में फ़ील करते हैं और डिप्रेस भी हो जाते हैं वट इज़ द मेन एजेंडा ऑफ लाइफ स्किल लाइफ स्किल का मेन एजेंडा क्या है टू रिसीव द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन टू बिकम गुड टीचर टू डेवलप कैपेबिलिटीज़ टू डिवेल्प अप टू डिवेलप एबिलिटी अकॉर्डिंग टू डिमांड्स एंड चैलेंज डेफिनेटली ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो दिस इज दिस इज द एजेंडा मेन एजेंडा ऑफ लाइफ स्किल बाकी चीज़ें देखें तो वो लाइफ स्किल का ऑब्जेक्टिव नहीं है सो ऑबली डी इज लास्ट वन इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेसर इज नोन एज वॉट क्या होता है जब हम अपने एक्सटर्नल स्ट्रेसर को रिएक्शन देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं डिस्ट्रेस बर्नआउट स्ट्रेन और यू स्ट्रेस ये तो आपने अपने चैप्टर में पढ़ा है आपको पता ही है कि स्ट्रेन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन स्ट्रेन होता है जब हम डिफरेंट स्ट्रेसर्स को अपना रिएक्शन देते हैं तो वो स्ट्रेन कहलाता है ऑल राइट दिस यू हैव टू रिमेंबर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन श्रेया इज सफरिंग फ्रॉम अ हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस लीडिंग हर टू लूज हर एबिलिटी टू मेक साउंड डिसीजन पुअर कॉन्सेंट्रेशन एंड रिड्यूस शॉर्ट टर्म मेमरी कैपेसिटी आइडेंटिफाई द स्ट्रेस इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस शी इज़ फेसिंग फेसिंग इन में से कौन सा इफ़ेक्ट है जो वो फ़ील कर रही है जिसमें वो अपने डिसीजनस मेकिंग पूर कॉन्सेंट्रेशन शॉर्ट टर्म मेमरी कैपैसिटी हो चुकी है ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके कॉग्नेटिव लेवल से जुड़ी हैं ऑल राइट ये फिजियोलॉजिकल नहीं है आप देख सकते हैं बिहेवियर की फॉर्म में बाद में नजर आएंगी बट पहले तो ये कॉग्नेटिव लेवल पर है डिसीजन ना ले पाना बेसिकली माइंड ब्रेन की फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर ना होना या माइंड जो है वो अच्छे से वर्क ना करना ये सब कॉग्नेटिव में आता है सो क्लियरली द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी कॉग्नेटि ये सारे कॉगनेटिव स्ट्रेस हैं इफेक्ट्स हैं इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत आते हैं जहां पर यह कहा जाता है कि आपको इफेक्ट बताना है बेसिकली तो स्ट्रेस के चैप्टर में से बहुत सारे एम बन जाते हैं आगे बढ़ते हैं स्ट्रेस इज वॉट लेट्स नॉट टेक द फर्स्ट ऑप्शन वी आर गिवन बी सी एंड डी एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंटरविनिंग वेरिएबल अ डिपेंडेंट वेरिएबल इन तीनों में से स्ट्रेस क्या है सबसे पहली बात तो एक स्ट्रेस जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं इसको भी आप अच्छे से समझ सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जिनमें आप कोई चेंजेस कर सकते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जिनमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको कॉज की तरह से नज़र आते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल इफ़ेक्ट की तरह से नज़र आते हैं और ज़्यादा आप पढ़ना चाहते हैं तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप का एक वीडियो है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक बहुत अच्छा वीडियो है आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा वहाँ से ज़रूर देखिएगा ये वैसे इलेवंथ क्लास का आपका टॉपिक है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल लेकिन स्टैट्स में ये थ्रू आउट लाइफ चलेगा अगर आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो तो कंसीडर इज़ दैट कि जो आंसर है वो हमारा हो जाता है एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्ट्रेस क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको ध्यान में रखिएगा हु गेव द टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी ऑफ स्ट्रेस टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटी किसने दी थी दिस यू हैव टू रिमेंबर दैट एंडलर एंड पार्कर ने ये स्ट्रेटजी दी थी तो एंडलर एंड पार्कर का नाम है दिस यू हैव टू रिमेंबर ऑल राइट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रजत ऑलवेज ब्लेम्स हिज फ्रेंड सर्किल फॉर हिज पुअर परफॉर्मेंस इन एग्जाम्स रादर दैन फोकसिंग ऑन हिज स्टडीज वो कौन सी स्ट्रैटी यहाँ पे यूज कर रहा है ही सिंपली जस्ट अवॉइडिंग हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ब्लेमिंग इट ऑन अदर्स राइट तो इसको हम रखेंगे अवॉइडेंस ओरिएंटेड की कैटेगरी में सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर विच एंड वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वन सेल्फ एंड अदर्स ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स एंड मोटिवस इनकम्पेटेबिलिटी बिटवीन टू और मोर नीड्स और मोटिव एक्सेसिव डिमांड्स सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी ये आपने डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि फ्रस्ट्रेशन में यही होता है कि जब नीड्स और मोटिव की ब्लॉक block, ब्लॉकिंग हो जाती है तब हम उसको फ्रस्ट्रेशन कहते हैं तो ये डेफिनेशन में सही से ही है इसलिए मैंने आपसे कहा कि एन को आपको पढ़ना चाहिए वहाँ से आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे पी आई इज फेसिंग सम प्रॉब्लम्स इन हर हाउस बट शी इज़ फुल्ली ट्राइंग टू मैनेज हर इमोशंस इन स्कूल एंड विद हर सोसाइटी फ्रेंड्स आइडेंटिफाई द कोपिंग स्ट्रेटेजी पी अपने घर में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रही है फिर भी अपने इमोशनल लेवल पर वो चीज़ों को मैनेज कर रही है तो सिंपली इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटजी वो फॉलो कर रही है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो पी इज यूजिंग द कोपिंग स्ट्रैटेजी नोन एज इमोशन ओरिएटेड स्ट्रेटेजी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन लेवल ऑफ स्ट्रेस गुड फॉर ह्यूमन बींग ये तो कई बार आपने पढ़ा है शुरू से पढ़ते आ रहे हैं आपको अच्छे से मालूम है कि यू स्ट्रेस इज द लेवल गुड स्ट्रेस जो कि ह्यूमन बींग के लिए गुड होता है

और uh, हमेशा इस चीज़ को अपने अंदर मेंटेन करना कम्स अंडर इंटरनल प्रेशर पर्सन ये प्रेशर खुद ही मेंटेन करता है खुद ही डेवलप करता है एंड दिस इज़ कॉल्ड इंटरनल प्रेशर ऑल राइट सो दिस वाज फॉर टूडेज क्लास वी टुक सम एम सी यूज़ चैप्टर थ्री वी हैव आल्सो क्रिएटेड अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन एम सी क्यू सो यू कैन गो एंड वॉच ऑल ऑफ दैम दे आर गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इफ यू आर स्टडिंग फॉर क्लास ट्वेल्थ एंड प्रिपेयरिंग फॉर यू बोर्ड एग्जामिनेशन इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ Like the video, press one like for me. Also, subscribe to the channel if you have not done it yet. It will be a great help for me. Thank you so very much. See you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.